बड़ा अच्छा लगा मुझे साथ में व्यू। तो मैम आप बताइए कितना खूबसूरत है व्यू यहाँ का। एकदम बढ़िया, आई थिंक हेवन हेवन है ये। स्वर्ग, बिल्कुल स्वर्ग। केदारनाथ से निकल कर रुद्रप्रयाग तक बहती है। देखिए इतनी खूबसूरत और इतना अच्छी लोकेशन है कि आप लोगों को ज़रूर यहाँ आना चाहिए। आप लोग देखिए सुनिए इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी लोकेशन है। फ्रेंड्स तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ सबसे मेन पॉइंट यहाँ का जहाँ पर कि संगम हो रहा है दोनों नदियों का। ये वाली साइड में हमारी मंदाकिनी अलकनंदा नदी, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। बहुत ही देखिए बहुत डर लग रहा है कि नदी बहुत ज़्यादा बड़ी और गहरी नदी है। देख के बहुत डर लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी और गहरी नदी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, साथ में बड़े बड़े समंदर फेरे इनके सामने। ये है अलकनंदा, ये अलकनंदा है और ये इस साइड में जो है मंदाकिनी रिवर है, ये भी मंदाकिनी है, ये मंदाकिनी है इस साइड से और ये है अलकनंदा। दोनों का इवन कलर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ये बिल्कुल ग्रीन, ये ग्रीन है अलकनंदा जो है और मंदाकिनी वाइट, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ सी नदी है मंदाकिनी वाली नदी। देखिए आप जैसे कि एक्वेरियम एक्वेरियम का होता है ना, वैसी लग रही है देखने में मंदाकिनी नदी, इतनी साफ है, इतनी खूबसूरत लग रही है। थोड़ा नीचे जाने में डर लग रहा है, यहाँ पर इस तरह से ये चेन लगी हुई है ताकि कोई नीचे ना जाए और यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े रहते हैं ताकि कोई यहाँ पे गिर ना जाए, कूदे ना, इस टाइप से रहता है। देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों को लाइव दिखा सकूँ ये लोकेशन, इतनी खूबसूरत है देखने लाइक लोकेशन में। देख लीजिए आप और ये आसपास का पूरा व्यू। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको लाइव यहाँ की आरती दिखाऊंगी, ये सारे संगम दोबारा से लाइव दिखाऊंगी आप लोगों को आके। बहुत धूप भी हो रही है और ठंड भी हो रही है और यहाँ नीचे का फर्श भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बट सच में यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल देख लीजिए आप लोग भी। और यहाँ पर क्या है, दोनों नदियाँ मिल चुकी हैं,
ऐसा लग रहा है सच में कि मैं इनके साथ ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको मिलाती हूँ मैम से। मैम यहाँ पर ऑलरेडी शूट कर रही थी। मैम आपका नाम बताइए प्लीज़। हाय, मेरा नाम स्मिता है। ओके मैम, कहाँ से हैं आप? मैं बैंगलोर से हूँ। मैम बैंगलोर से यहाँ पर आई हुई है, देख लीजिए इतनी सुंदर लोकेशन है। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा। मैम अपने साथ अपना पूरा सेटअप लेके आई हुई है। ये देखिए मैम का सेटअप, मैम पूरे सेटअप के साथ आई है। साथ में इस पर रिमोट है, आराम से बस रिमोट क्लिक किया और फोटो क्लिक हो जाती है सारी की सारी। मैम से मिलकर बड़ा अच्छा लगा मुझे, और साथ में व्यू तो मैम। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैम फूड ब्लॉगर है। हाय, यस आई एम अ फूड ब्लॉगर, एमेच्योर फूड ब्लॉगर। तो मैम इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है, तो ठीक है मैं आप लिंक दूंगी आप लोगों को, तो आप मैम का भी उसे देख सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे खाने की फ़ोटोज़। और मैम से थोड़ा कभी अगर मन हो बनाने का तो आप टिप्स एंड ट्रिक्स भी ले सकते हैं मैम से। तो मैम को इतना ज़्यादा पसंद आया यहाँ का लोकेशन, मैम ने अपने मैम आपको कैसे पता चला कि यहाँ की लोकेशन इतनी अच्छी है? इंटरनेट से। मैम ने गूगल करते करते इतना पसंद आया कि मैम अकेले ही मैम छुट्टी लेके आ गई अपने ऑफिस से। अब ऊपर सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, तो हम लोगों को भी ध्यान दे रहे हैं कि ये लेडीज़ अकेले यहाँ क्या कर रही है। इस चीज़ का भी रहता है, कहीं कोई यहाँ पर सही में पूछने तो नहीं आया हुआ है, तो इस चीज़ का भी प्रॉब्लम रहता है। ये देखिए और लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। दोस्तों आप देखो, मैं नदी में जा रही हूँ, पानी में टच कर, बहुत डर लग रहा है मुझे। आइडिया है जितना एक्सप्लोर हो सकता था, बाकी लोकेशन तो इतनी सारी है। लाइव दिखाने का बहुत मन था लेकिन दिखा नहीं पाई, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों को सारी लोकेशंस लाइव दिखा पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू।